नमस्कार। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के एक चैप्टर स्केल्स की आज हम स्टडी करेंगे। कई बार हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में ड्राइंग बनाने के लिए स्केल की आवश्यकता पड़ती है, पैमाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ स्केल या पैमाने का अर्थात है कि जो दूरी हमें या डिस्टेंस हमें ड्राइंग पर बनानी है वो इतनी अधिक होती है कि उसे हम एक A4 साइज या जो हमारी ड्राइंग शीट है उस पर नहीं बना पाते हैं, तो हमें उसे कम करके बनाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कोई किसी मकान का नक्शा है या कोई पैमाना है, कोई मैप है, मान लीजिए उसमें कोई डिस्टेंस 10 फुट की है, उसे हमें बनाना है, तो 10 फुट की लाइन हम किसी A4 साइज पर या एक ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते हैं, तो उसे हमें कम करके बनाना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक 10 फुट की लाइन जो है वो 10 सेंटीमीटर से निरूपित करता हूं या 10 सेंटीमीटर से बनाता हूं, तो इसका अर्थ है कि मैंने एक पैमाना ले लिया जिसमें एक जो 10 फुट की लंबाई थी उसे मैं 10 सेंटीमीटर से निरूपित कर रहा हूं, यानी जो वास्तविक लंबाई 10 फुट थी वो ड्राइंग पर 10 सेंटीमीटर से निरूपित हो रही है। तो एक इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को मुझे ड्राइंग पे बनाना है, तो मैं मान लीजिए कोई पैमाना ले लेता हूं कि 1 किलोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक्चुअल में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है वो ड्राइंग पर मैं 10 सेंटीमीटर से निरूपित करूंगा, 10 सेंटीमीटर से बनाऊंगा। तो इसमें अब इसका हम आरएफ निकालते हैं, तो आरएफ होता है लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, यानी स्केल पर जो लंबाई है बटा डिवाइडेड बाय जो वास्तविक लंबाई है। तो यहां हम देख रहे हैं जो वास्तविक लंबाई है वो 1 किलोमीटर थी, लेकिन उसे हम स्केल पर निरूपित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर से, अर्थात ऊपर आएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट 1 किलोमीटर। तो ये इसका आरएफ हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, सरल करना है इसे, तो इसके लिए हम ऊपर और नीचे एक ही यूनिट में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऊपर 10 सेंटीमीटर है, नीचे 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट। सिमिलरली ये ऊपर जो 1 0 है वो 1 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स ये आ जाएगा 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो हमने एग्जांपल लिया था जिसमें एक एक्चुअल डिस्टेंस 1 किलोमीटर को हम 10 सेंटीमीटर से निरूपित कर रहे थे, उसका जो आरएफ निकला है वो है 1 डिवाइडेड बाय 10,000। आरएफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10,000। तो इसी तरह से हम किसी भी सवाल में जो निर्देश हमें दिए गए हो, जो डायरेक्शन हमें दिए गए हो, उसकी सहायता से हम आरएफ निकाल सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें हमें यह दिया गया है कि 9 मीटर इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, अर्थात 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे हम ड्राइंग पर 9 मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फाइंड आरएफ, सबसे पहले हमें इसका आरएफ निकालना है। तो आरएफ था स्केल की लंबाई बटा एक्चुअल लेंथ। तो स्केल पर हमने देखा कि ये कितना बता रखा था, 9 मीटर, और एक्चुअल लेंथ है 150 किलोमीटर। तो आरएफ हो जाएगा 9 मीटर डिवाइडेड बाय 150 किलोमीटर। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे।
9 मीटर्स डिवाइडेड बाय 150 किलोमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ऊपर भी मीटर है, मीटर एंड मीटर विल बी कैंसिल आउट। इसको और अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसके और इसे हम इसमें यहां तक इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आर है बराबर 3 डिवाइडेड बाय 50,000, ये इसका आर एफ हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ था, फाइंड आउट आर एफ। तो हमने आर एफ निकाल लिया। इसके बाद हमें स्केल ड्रॉ करना है जो कि 3 किलोमीटर तक की डिस्टेंस बता सके, पढ़ सके, रीड कर सके। तो इसके लिए हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ स्केल विल बी इक्वल टू आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो आर एफ 3 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट किया और उसके पश्चात सेंटीमीटर में। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1, 2, 3 एंड 4, सिमिलरली 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 18। और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया था, किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया था फिर सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस आई है वो सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जो स्केल बनाना है उसकी लंबाई कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर, लेकिन वो निरूपित किसको करेगा, 3 किलोमीटर को, ठीक है। ये जो एग्जांपल दे रखी थी जिसमें 150 किलोमीटर जो 9 मीटर था उसका हमने पहले आरएफ निकाला था 3 डिवाइडेड बाय 50,000, उसके पश्चात जो हमें 3 किलोमीटर तक का स्केल बनाना है उसके लिए हमने स्केल की लेंथ निकाली जो कि कितनी निकली, 18 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले हमने ये 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है, लेकिन ये जो 18 सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, 3 किलोमीटर। इसका मतलब ये जब हम 18 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे तो यहां पर लिखेंगे क्या, 3 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर ना कि 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 3 किलोमीटर है तो इस 3 किलोमीटर को हम मैट्रिक यूनिट में डिवाइड करने के लिए 3 में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, तो ये एक हिस्सा 1 किलोमीटर का हो जाएगा। डिवाइड करना आपको जैसे पहले बताया गया था मिनी ड्राफ्टर से उसी प्रकार से करना है। तो ये 3 हिस्से अब इसके 1-1 किलोमीटर के हो गए। जो पहला हिस्सा है जो कि 1 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है उसे हमने फिर से 10 भागों में डिवाइड किया है, और इसका जो एक हिस्सा है वो 100 मीटर को निरूपित कर रहा है, यानी कि ये 100 मीटर, 200, 300 एंड 100। तो इस प्रकार से ये जो स्केल बना ये कहलाता है प्लेन स्केल। इस पे हमें एक चीज और पूछी गई है, टू शो 2.4 किलोमीटर। तो जब 2.4 किलोमीटर हैं तो हम इसमें स्केल में इस प्रकार डिनोट करते हैं, यहां 0 लिखेंगे, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, और इससे लेफ्ट में भी ये 0 और इस तरफ ये 1 किलोमीटर। अब हमें 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस इस पे दर्शानी है, तो 2.4 का मतलब है यहां से गिनेंगे हम, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 हो गया यहां तक, और 0.4 किलोमीटर मीन्स 400 मीटर। तो यहां से हम गिनेंगे तो यहां से 100, 200, 300 और ये 400, ये जो डिस्टेंस है ये 2.4 किलोमीटर। तो इस प्रकार से किसी भी स्केल की हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।